Hello everyone, this is me Sanadat Bhardwaj from the official YouTube channel of Nyaya Academy. I welcome you all to this video जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं historical underpinnings of Indian Constitution topic के अगले lecture की. Now आज इस video को शुरू करने से पहले आप सबको एक कह लीजिए एक डायलॉग के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ. वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स टॉम क्रूज की एक मूवी थी द लास्ट सैमुराई. उस मूवी में से ये डायलॉग निकाल कर लाया हूं, आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ. दैट अ मैन डज व्हाट ही कैन अंटिल हिज डेस्टिनी रिवील्स इटसेल्फ. तो अगर आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपकी डेस्टिनी अभी तक रिवील नहीं हुई है, तो अपना कार्य करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी पॉजिटिव मैनर में ही रिवील होने वाली है. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए और अपना मेहनत का जो कह लीजिए कर्म है उसको साथ के साथ चलाते रहिए. आज इस वीडियो के अंदर जो हमने चर्चा करनी है दैट इज 1861 से लेके 1909 तक के टाइम पीरियड के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट मेजर एक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. हमने 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट कवर कर लिया, देन वी कवर्ड 1892 जो कि 1861 का एक अमेंडमेंट था. आज हम चर्चा करेंगे 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, थोड़ा सा गहराई में देखेंगे. देखिए मैंने आपसे जो वादा शुरुआत में किया था पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक, वही वादा मैं रिपीट करता रहूंगा कि अगर आप इन वीडियोस को तहे दिल से फॉलो करते हैं, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं एंड अगर आप इस पूरी सीरीज को श्रृंखला को फॉलो करते हैं, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई भी कह लीजिए कि एक पेपर नहीं होगा या कोई भी सवाल नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर आ सकेगा. रीजन ये है कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके 7-8 बुक्स कवर करके वेरियस सोर्सेज कवर करके इन एक्ट्स के बेयर एक्ट्स तक कवर करके मैं आप लोगों के समक्ष ही पूरा का पूरा डेटा जैम पैक्ड इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूं. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को तहे दिल से फॉलो जरूर कीजिएगा. जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. कारण क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो मुहिम है कि वैल्यू क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लोगों तक पहुंचे, उस मुहिम में अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो इस देश का बहुत भला हो सकता है. थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. हमने अभी तक देखिए 1861 का जो है, आप यहाँ पे पूरा स्लाइड देख सकते हैं, इसमें देख रहे हैं कि 1861 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक 1861 की वीडियो का यहाँ पे आ गया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. एंड हमने 1892 को भी अच्छे से कवर किया है हमारी पिछली वीडियो के अंदर, जो हमारा 7th लेक्चर था उसके अंदर, जिसका लिंक अभी आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा. उस लिंक के ऊपर भी जा सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक के ऊपर जा सकते हैं. मैं सीरीज का भी लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूं, आप वहां पे भी जा सकते हैं. अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आप सबसे अनुरोध रहेगा प्लीज जाकर उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और फिर इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा. नाउ आज इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा करनी है 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की. नाउ ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा काउंसिल रिफॉर्म्स की अगर चर्चा होती है, सो दीज आर द काउंसिल रिफॉर्म्स जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा कह लीजिए या जिनके ऊपर डिस्कशन सबसे ज्यादा होती है. रीजन बीइंग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी. इनफैक्ट जैसे ही 1885 के अंदर हमारे कांग्रेस का, इंटरनेशनल कांग्रेस का गठन होता है, उसके बाद 1909 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एज फार एज कांग्रेस वाज कंसर्न्ड. क्यों? क्योंकि ये बात है 1906 के बाद की. 1906 में क्या हुआ था, 1906 में जो हुआ वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी एज फार एज इंटरनेशनल कांग्रेस वॉज कंसर्न्ड, इनफैक्ट एज फार एज मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड. तो उन दोनों बातों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपका कह लीजिए मेरी तरफ से होमवर्क है. मेरी आदत बहुत खराब है, सवाल बहुत पूछता हूं, होमवर्क बहुत देता हूं. चलिए अब देखते हैं कि ये हुआ कब और कैसे हुआ. पहली चीज तो ये कि एक आगा खान द थर्ड एक शख्सियत थी जिनका पूरा नाम था, असली नाम था सुल्तान सर मोहम्मद शाह. 1906 के अंदर ये मुस्लिम डेपुटेशन को लेकर वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे उस समय, उनके पास गए थे कि हमारे इंटरेस्ट, मुसलमानों के जो माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, हमारी मांगों को आप पूरा कीजिए.
इसके साथ की साथ 1906 के अंदर ही एक बहुत ही लिबरल कह लीजिए हमारे लॉर्ड मॉर्ले हुए थे, मॉर्ले ने अनाउंस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दैट हिज गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स, नए रिफॉर्म्स भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर लोकल लोगों को ज्यादा लेजिस्लेटिव अफेयर्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ऐसा उनका मानना था। ही वाज अ लिबरल, थोड़ा ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। सिमिलरली इसी के साथ क्या हुआ, कुछ विचारों का आदान प्रदान होना शुरू होता है, बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज होते हैं लॉर्ड मॉर्ले और मिंटो के बीच में। मॉर्ले और मिंटो आपस में डिस्कशंस करते हैं और इसी डिस्कशन के निष्कर्ष ये निकलता है कि 1909 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इस एक्ट को पास करता है। बेसिक इस एक्ट का क्या पर्पज रहता है, वो पर्पज ये होता है, इट वॉन्टेड टू वाइडन द स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये जो शब्द है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फोकस करके चलना है। मॉडरेट्स ने जो डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, उन डिमांड्स को मानते हुए, कुछ हद तक मानते हुए, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर थोड़ी सी एक्सपेंशन, ऐसे गुब्बारा फूलता है उस तरीके से एक्सपेंशन करने की कोशिश की गई। उसी के साथ साथ कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी थे, ये तो कुछ एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स कह लीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिफॉर्म्स कह लीजिए हुए, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी आए थे, जिनमें से एक था सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1909 के इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू। नाउ इस एक्ट को मई 1909 के अंदर रॉयल असेंट मिलती है और ये भारत के अंदर लागू होना शुरू हो जाता है। एक कमिटी अपॉइंट की गई थी इस एक्ट के लागू होने से पहले, जिसने ये बताना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कमिटी अपॉइंट की गई थी, जिसने ये बताना था कि जो नई रिफॉर्म्स होंगे उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस स्कीम के तहत होंगे, क्या पर्पज हो, वो सारी की सारी चीजें जिस कमिटी ने सजेस्ट की, उस कमिटी के हेड कौन थे, ये आपसे मैं सवाल पूछता हूं। आप लोगों में से अगर कोई जवाब नहीं देगा तो अगली वीडियो में मैं जवाब जरूर दूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात का जवाब मुझे दीजिएगा। नाउ इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट को अप्रूव किया गया मिंटो के द्वारा, मॉर्ले के द्वारा, एंड 1909 का ये एक्ट हमारे सामने आ जाता है। अब ये एक्ट है क्या, धीरे धीरे करके इस तक पहुंचते हैं। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1892 का जो हमारा एक्ट था उसने लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर तो दी थी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर तो दिए थे, लेकिन इट फेल्ड टू प्लिकेट द इंडियंस हु वर मच मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स बाय नाउ। कारण क्या था, देखिए नॉट जस्ट 1885 में, 1885 से पहले भी करीब करीब 1750s के बाद से बंगाल में एक मूवमेंट चली आ रही थी। उस मूवमेंट के चलते धीरे धीरे से जो बंगाल का बुर्जुआ क्लास थी, जो बंगाल की मिडिल क्लास थी, वो ज्यादा एजुकेट हो रही थी। धीरे धीरे करके उस एजुकेटेड मिडिल क्लास में से बहुत होनहार विद्वान निकल कर आए। उन होनहार विद्वानों ने पॉलिटिकल मोर्चा थामा था, जिस पॉलिटिकल मोर्चे की वजह से बंगाल बिकेम एन एपिसेंटर ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल इन इंडिया। इसी वजह से बंगाल के अंदर, ये मान के चलिए कि धीरे धीरे से बंगाल एंड उसके बाद ये पूरे भारत में कह लीजिए स्प्रेड भी हो रहा था। इस वजह से 1885 से पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बंगाल के अंदर ही बनी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एग्जिस्टेंट बैक देन। उससे अलावा और उससे पहले प्रीकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, एंड उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे बहुत सारे महानुभाव थे जो काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग दादा भाई नौरोजी और अरविंदो घोष जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे जो काम कर रहे थे, धीरे धीरे सतह पे नहीं, गहराइयों में, डेप्थ्स में काम कर रहे थे, लोगों तक पहुंच रहे थे, एंड जिसकी वजह से लोगों के बीच में अपने पॉलिटिकल राइट्स की समझ आनी शुरू हो गई थी। जब ये समझ आनी शुरू हुई थी, इसकी वजह से जब 1892 के रिफॉर्म्स आए एंड 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी, और धीरे धीरे कांग्रेस की वजह से लोगों का जुड़ाव पॉलिटिकल राइट्स की तरफ, पॉलिटी की तरफ वो बढ़ रहा, तो इस वजह से जो 1892 के रिफॉर्म्स थे वो इतना कुछ खास असर डाल नहीं पाए। इसकी वजह से भी एक नए सेट ऑफ रिफॉर्म्स की जरूरत थी। दूसरी चीज अब क्या था, देयर वाज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट अगेंस्ट लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो 1905 में किया उसके खिलाफ बहुत आवाज उठ रही थी। ही हैड ऑलरेडी अर्ग्ड द पब्लिक बाय द फूलिश आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर हुआ, लेकिन
पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ऑर्डर है उसको रिपील कब किया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब वो साल आएगा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट आई वुड वांट माय स्टूडेंट्स कि वो अपने, देखिए मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई थी, हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो भी हम आपको बताते हैं, जो भी चीजें हम आपको बताते हैं, दैट इज ओनली अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हम डेफिनेटली आपको बहुत गहराइयों तक लेके जाते हैं, लेकिन जब आप ये मान के चलेंगे कि हम आपको टिप ऑफ एन आइसबर्ग दे रहे हैं, तो आप सही मायनों में यूपीएससी की तैयारी करने की समझ, पकड़ जो है मान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि यूपीएससी क्या आपसे डिमांड करती है। नाउ अब थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं इस एक्ट के अंदर और क्या क्या बातें थी, क्या हमारा बैकग्राउंड बनता है इस एक्ट के अंदर। जॉन मॉर्ले ही वॉज अ वेरी लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो हमारे वाइसराय थे ही वॉज कंजर्वेटिव, तो दोनों ऑपोजिट्स थे, एक कंजर्वेटिव वाइसराय था हमारे पास और एक लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। नाउ वाइसराय का पूरा नाम क्या था, गिल्बर्ट एलियट मर्रे काइनिनमंड द फोर्थ अर्ल ऑफ मिंटो। तो ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप लोगों की समझ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ दे बिलीव, बोथ ऑफ देम बिलीव कि अगर आपको भारत के अंदर हो रहे अपहीवल, पॉलिटिकल अपहीवल को रोकना है, जो बंगाल में अपराइजिंग्स बढ़ रही हैं, जो पॉलिटिकल अपराइजिंग हो रही है धीरे धीरे, जो सिमर हो रही थी हीट 1857 की रिवोल्ट के बाद, वो धीरे धीरे से और बढ़ती जा रही है, अगर आपको ऐसा करना है देन यू डेफिनेटली नीड टू इंट्रोड्यूस सर्टन सेट ऑफ रिफॉर्म्स, एंड इसी वजह से ये ड्रामेटिक स्टेप लिया भी गया। नाउ इस स्टेप के लेने के साथ साथ एक चीज और हुई, दे डिड नॉट गो एनी यू नो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस टुवर्ड्स मीटिंग एंड मीटिंग द डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा चाहिए जिसमें सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज जिस तरीके से गवर्न होती हैं, सेम प्रोसेस के जरिए आप भारत को भी आप एक पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ कह लीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम दे दीजिए जो आप ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर कर रहे हैं, जहां पे सेल्फ गवर्नमेंट अपने होम रूल जैसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सेम प्रोसेस आप भारत में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बट ऐसा नहीं हुआ। That is why they were really disappointed. Now, अब इस एक्ट के अंदर अगर हम थोड़ा सा निष्कर्ष निकालें तो ये बात निकल कर सामने आती है that this act effectively legitimized the elections of Indians to various legislative councils in India for the first time. अभी तक इलेक्शंस जो इंडियंस के हो रहे थे दे वर नॉट रियली लेजिटिमाइज्ड। अब क्या है, कानून के प्रावधान से इंडियंस को पूरा मौका मिल गया, अब उनका इलेक्शन हो सकता था एंड दे कुड बी रिप्रेजेंटेड। प्रीवियसली सम इंडियंस दे वर अपॉइंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन ज्यादातर नॉमिनेशंस के जरिए हो रहा था। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल्स दे रिमेन्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, जितने भी काउंसिल के मेंबर्स थे वो ज्यादातर अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी। इलेक्टोरेट वॉज लिमिटेड टू स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ इंडियन नेशनल्स, सब तक नहीं पहुंचा था। आज भी विमेन दे कुड नॉट वोट, इनफैक्ट आपको वही प्रोसेस जैसा मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था, वैसा सिमिलर प्रोसेस भारत के अंदर भी लागू हो रखा था। टू डिवाइड एंड टू बेसिकली ब्रेक डाउन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसका रेपरकशन हम 1947 तो क्या उसके बाद अभी तक भुगत रहे हैं। नाउ फॉर प्रोविंशियल काउंसिल्स, जो लोकल लेवल की बात थी, वहां पे क्या हुआ, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ थ्री कैटेगरीज फॉर इलेक्टोरेट्स, जनरल, स्पेशल और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये तीन कैटेगरीज में इलेक्टोरेट सिस्टम को बांट दिया गया था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई थी। चौथी कैटेगरी एड की थी कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा कि चौथी कैटेगरी जो ऐड हुई थी, इट वाज एडेड इन द फोर्थ कैटेगरी, इट वाज एडेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी यहां पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल में नहीं, लोकल एरियाज में नहीं, लोकल गवर्नमेंट्स में नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में भी नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्ट ऑफ 1909 स्टिपुलेटेड एज डिमांडेड बाय द मुस्लिम लीडरशिप, क्या कुछ, पहली चीज, द इंडियन मुस्लिम्स दे शुड बी अलॉटेड रिजर्व्ड सीट्स इन म्युनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, तो लोकल बॉडीज के अंदर उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए।
प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड इन इंपीरियल लेजिस्लेचर्स, उनमें भी उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए. द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन देखी जाए तो वो 25% के आसपास थी, तो उनकी जो रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए किसी भी बॉडी के अंदर, इट शुड बी मोर देन 25%, ऐसा बोला गया था और ये बात मानी भी गई थी. द ओनली मुस्लिम्स, एक और चीज बोली दैट ओनली मुस्लिम्स शुड बी एबल टू वोट फॉर कैंडिडेट्स फॉर मुस्लिम सीट्स. तो ये कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का. नॉट जस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसके अलावा भी ये पूरे की पूरी चीजें जो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इस एनलिस्टेड आइटम को आपने ध्यान से समझना है. जनरली 1909 के ऊपर अगर सवाल आता है तो बच्चे सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो याद रख लेते हैं, लेकिन ये जो बाकी की दो डिमांड्स हैं इनकी तरफ ख्याल नहीं जाता है. इन दोनों डिमांड्स के ऊपर, बाकी की जो दो डिमांड्स हैं इनके ऊपर आपने ध्यान जरूर रखना है, अपने नोट्स जरूर बना लेने. द कंसेशंस दैट वर मेड दे वर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्राइक. इसके बाद धीरे धीरे करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ऐसे ऐसे खींच के तोड़ने की कोशिश की गई थी. इनफैक्ट ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस एंड स्टेट्समैन, उनको पता थी कि ऐसा हो सकता है. दे डिड नॉट वॉन्ट इट टू हैपन, वो नहीं चाहते थे. कारण क्या था कि किसी भी प्रकार से अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल ग्राउंड्स पे देते हैं तो उसकी वजह से कम्युनलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है. एंड वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भारत में पनपे. लेकिन फिर भी ये एक्ट पास हुआ, ये एक्ट की प्रोविजंस लागू हुई एंड आज जो उसके रिपरकशंस हैं आप सब लोगों के सामने. नाउ जब मॉर्ले ने ये बात कही कि हम ऑफिशियल मेजॉरिटीज को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर अबॉलिश करेंगे तो उनके खिलाफ आवाज तो उठी थी, लेकिन ये जब बात बोली थी, ये बात बोली थी जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी के एडवाइस पे, उनकी सलाह पे, और उनके साथ साथ कुछ और लिबरल लीडर से जैसे कि इंटरनेशनल कांग्रेस के हमारे रमेश चंद्र दत्त, आर सी दत्त, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादा भाई नारोजी, आर सी दत्त, ये दोनों मेजर इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे. ही ओवररोड द बिटर ऑपोजिशन जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड मॉर्ले को फेस करनी पड़ रही थी. एंड उन्होंने इनफैक्ट ICS, इंडियन सिविल सर्वेंट्स की तरफ से भी उनको बहुत सारे रेपरकशंस फेस करने पड़ रहे थे. वाइसराय भी आवाज उठा रहा था, काउंसिल भी आवाज उठा रहे थे, लेकिन फिर भी ही वेंट अहेड बिकॉज ही वॉज अ लिबरल, कह लीजिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. इस वजह से ही वेंट अहेड, ओपन माइंडेड थे, इंडियंस के लिए कुछ भला चाहते थे, कुछ सोच रहे थे. नाउ ही बिलीव्ड, वैसे तो ये रिफॉर्म्स कुछ खास करके नहीं गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज अ लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. Now, according to him, he believed that as did many other Britishers, liberal jo politicians se Britain mein jo baithte the, that only justification for British rule would be ki agar kisi bhi prakar se Bharat ke andar parliamentary government system jo hai, wo introduce ho jaye. And ye baat humne pichle lecture ke andar bhi ki thi, I hope aap sabko dhyan mein bhi hogi. Maine link description mein dala hua hai aur saath ke saath idhar आई आइकन जो होता है वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. मेक श्योर कि आप उस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. नाउ लॉर्ड मिंटो और जो ऑफिशियल्स थे कलकत्ता के अंदर, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी. उन्होंने बहुत बार बार लॉर्ड मॉर्ले को चिट्ठियां लिखी कि भैया थोड़ा सा ध्यान से इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना है. एंड दे इंसिस्टेड ऑन रिटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वीटो पावर ओवर ऑल लेजिस्लेशन. जो एग्जीक्यूटिव की, गवर्नर जनरल की, वाइसराय की वीटो पावर्स थी वो मत छेड़िएगा, ये बार बार इंसिस्ट कर रहे थे. इनफैक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए भी वो एक हाथ रोक रहे थे. दे वर अलाउइंग इंडियंस टू फाइट लेकिन विद बोथ देयर हैंड्स हेल्ड टाइट, उनको बांध के जो है लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रहे थे, लड़ाई भारत की आजादी की. Now these elected members of new councils, they were empowered. उनको बहुत सारी शक्तियां मिली हुई थी. वो बजट के मैटर्स को डिस्कस कर सकते थे, वो बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे एंड फाइनेंशियल मैटर्स में अपनी सलाहें भी दे सकते थे. लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स है, ऐसी नुकताचीनियां करते हैं ना जैसे हम, उस तरीके से बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक्ट, हालांकि ढांचा बहुत बड़ा खड़ा कर रहा था लेकिन वो ढांचा खोखला था. आज इस वीडियो के अंत तक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस एक्ट के बारे में और बहुत गहराई से हम जानकारी लेते रहेंगे. नाउ मेजर प्रोविजंस पे आ जाते हैं एक्ट की. इस एक्ट की मेजर प्रोविजंस
अब आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे आनी शुरू हो गई होंगी। नाउ द एक्ट अमेंडेड द 1861 का काउंसिल एक्ट, जो पिछला काउंसिल एक्ट था, उसके बाद 1892 के काउंसिल एक्ट को भी जो है अमेंड कर दिया। दे बेसिकली 1909 के ये जो रिफॉर्म्स थे, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये रिफॉर्म्स, ये अमेंडमेंट थे। नाउ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, चाहे वो सेंटर के हों चाहे प्रोविंसेस के हों, उनको चार कैटेगरीज में बांट दिया। कौन सी चार कैटेगरीज? पहली, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन थे? एक्स ऑफिशियो का मतलब रहता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस कौन से मेंबर्स हुए? गवर्नर जनरल हुआ एंड उन्हीं के साथ उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। नाउ मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई है, एक छोटा सर्कल इमेजिन कीजिए। ये जो छोटा सर्कल है, मेरे साथ डायग्राम भी बनाते रहिए, आई एम नॉट एबल टू मेक दैट डायग्राम, बहुत जल्दी आपको डायग्राम्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा, मैंने शुरुआती लेक्चर्स में बहुत डायग्राम्स बनाए भी हैं। तो वो जो छोटा सर्कल है वो मान लीजिए गवर्नर जनरल है। नाउ ही इज गोइंग टू बी एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। दूसरा, अब उसके आसपास एक और छोटा और सर्कल, आसपास थोड़ा सा बड़ा उस पर कंपैरेटिवली छोटा, वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आज हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वैसे ही पुराने समय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, और उसके बाद इतना बड़ा समझ लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक बड़ा सर्कल, जिसमें गवर्नर जनरल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी हैं, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, जैसे आज हमारा पार्लियामेंट। नाउ उसके बाद आते थे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, ऐसे ऑफिशियल मेंबर्स जो ब्रिटिश हुकूमत में से या फिर कंपनी में से, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही, या तो वो डायरेक्टर्स रहे हुए हैं या कंपनी की सर्विस में 10 साल तक रहे हुए हैं, ऐसी कुछ प्रोविजंस थी, उनमें से नॉमिनेट किए जाते थे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। ये ऑफिशियल शब्द जो है इसको आपने कंपनी से रिलेट करके देखना है कि कंपनी या कह लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत, वहां से कुछ नुमाइंदगी होती थी, वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था। सेकंड, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, ऐसे नॉन ऑफिशियल्स मतलब जो कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहीं भी लेना देना नहीं है उनका, ऐसे व्यक्ति, ये भारतीय भी हो सकते थे, ये ब्रिटिशर्स भी हो सकते थे, तो ये होते थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। फिर आते थे जहां पे भारतीयों को, इंडियंस को जगह मिलती थी, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, ये चार कैटेगरीज, ये कैटेगरीज अगर आपको समझ आ गई तो बहुत इजी हो जाते हैं। ये वाला एक्ट तो इजी हो ही जाता है, आगे आने वाले एक्ट्स भी बहुत आसान हो जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, चाहे नॉमिनेटेड है चाहे इलेक्टेड है, टोटल नंबर की अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले तो सेंटर समझ लेते, सेंटर के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जब भी मैं CLC सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि वो बात है आपके आज के पार्लियामेंट से मिलती जुलती। तो पार्लियामेंट पुराने समय का अगर मैं बोलूं तो उसमें पहले 16 व्यक्ति हुआ करते थे, 16 मेंबरान की जगह थी, उसको 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसके ओवर एंड अबव एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे कौन? गवर्नर जनरल और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। The maximum number of nominated and elected members. अब provincial legislatures की बात कर लेते हैं, तो provinces के अंदर maximum number of nominated or elected members under a governor or a lieutenant governor, चाहे वो governor हो चाहे वो lieutenant governor हो, उनका भी number increase किया गया था। अब ये number increase करके बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूपी और ईस्टर्न बंगाल के अंदर, ईस्टर्न बंगाल जो है वो बेसिकली असम वगैरह वाला रीजन हुआ करता था, ईस्टर्न बंगाल एंड असम जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे फिक्स कर दी, बढ़ा के नंबर 50। अब यहाँ पे 50 लोग हो सकते थे मेंबर इन देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फिर आ जाती है बारी पंजाब की, बर्मा की, और उसके बाद कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर अगर प्रोविंस क्रिएट होता है, सबके सब के अंदर 30 मेंबर्स की जगह बना दी इन देयर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये नंबर फिक्स कर दिया प्रोविंसेस के अंदर, तो प्रोविंसेस में कुछ अलग तरीके से नंबर फिक्स हुआ, और सेंटर के अंदर जो है 16 था पहले, अब उसको 60 कर दिया गया। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दे वर नॉट क्रिएटेड फॉर प्रोविंसेस अंडर अ चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, जिनको आज हम यूटीज के नाम से बुलाते हैं, जैसे चंडीगढ़ इज अ यूटी, है ना, न्याय अकेडमी इज बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़। Now, जिस तरीके से हम यूटीज आज की डेट में देखते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें पुराने समय में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हुआ करते थे, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं प्रोवाइड किए, उनको डायरेक्टली गवर्नर जनरल के कंट्रोल में अथॉरिटी के अंदर रखा गया। नाउ
अब क्या और चीज दी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जो हमारे गले में आज तक एक हड्डी के तरीके से चुभते आ रहे हैं, अभी तक वो हम ना निगल पा रहे हैं उसे, ना उसे उगल पा रहे हैं। बेसिकली प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर हम बात करें तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एग्जिस्ट करती थी, मतलब लोगों को ये लगे कि भैया अब कंपनी का रूल खत्म हो चुका है, इस वजह से नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी कर दी, ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं रखी। इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ इस चीज का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर जैसे ही अगर आप बात करें नॉन ऑफिशियल्स की, तो उनमें से ज्यादा लोग तो नॉमिनेटेड हुआ करते थे, तो अब नॉमिनेटेड लोग तो अभी भी ज्यादा है, अभी भी ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल तो है ना, अभी भी आज भी वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को उठा के अपनी मर्जी से नियुक्त कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, नामांकित कर रहे हैं। इलेक्शन तो अभी भी कम लोगों का हो रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी तो अभी भी नहीं हो रही है। देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मेरे से, है ना। एंड एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, हमारे चैनल के ऊपर भी लिंक दिया गया है, जहां चैनल आर्ट होती है वहां सब जगह पे दिया गया है। फेसबुक पेज भी है, अगर आपने नहीं लाइक किया तो मेक श्योर कि आप उस फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। बहुत सारी यूपीएससी बाइट्स, बहुत सारी लीगल बाइट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पैक्ड हम उस पे अपडेट करते रहते हैं, सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ अच्छे से तहे दिल से जुड़े रहिए। नाउ इसके अलावा और क्या हुआ, दे वर ऑल्सो एंटाइटल टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, उनको बजट के मैटर्स को डिस्कस करने के अलाउ किया गया, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते थे, बहुत बड़ी बात होती है, एंड इवन वोट ऑन देम। लेकिन अगर आइटम जो है वो नॉन वोटेबल है, मतलब फॉर एग्जांपल हम आज कहते हैं ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड अपॉन जो एक्सपेंडिचर होता है उसको वोटेबल पार्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल जजेस की सैलरीज वगैरह, उसको आप वोट नहीं कर सकते, वो फिक्स है, वो छेड़ी नहीं जा सकती, कम नहीं की जा सकती, है ना। तो बेसिकली ये तो जो नॉन वोटेबल आस्पेक्ट है उस पर आप सवाल नहीं पूछ सकते, उस पर आप वोट नहीं कर सकते, सॉरी। बेसिकली नाउ They were also asked, entitled to ask supplementary questions. Supplementary सवाल पूछ सकते थे, फिर उसके बाद बहुत सारे resolution move कर सकते। इन सारे के सारे processes में एक चीज का खास ख्याल रखना, जो power legislative council के पास खुद नहीं है, for example आज की date में अगर बात करें central legislative council बहुत सारे matters को discuss कर सकता है, लेकिन state legislative council स्टेट के जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो सारे के सारे मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते, जो मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं डिस्कस करता, वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है। तो जो मैटर्स आपकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं उसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछवा सकते, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। इनफैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर अगर बात करें तो मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते थे, अगेन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आपके अगर लेजिस्लेचर के पास ही पावर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप सवाल पूछ नहीं सकते। रूल्स वर फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हर काउंसिल के अपने अपने जनरल रूल्स हुए जिनमें ये पब्लिक मैटर्स, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स थे, जो आज डेली बेसिस पे जैसे नई नई चीजें निकल कर आती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना का जो इशू है, इंडिया चाइना के ऊपर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो अपलोड की हुई है, मेक श्योर आप चैनल के ऊपर वो वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी दिख जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक डाल दूंगा। नो डिस्कशन वॉज परमिटेड ऑन एनी मैटर और सब्जेक्ट जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉम्पिटेंस के ही बाहर, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के, ही वाज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे के अंदर, यहाँ पे काउंसिल्स लिखा है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसको इंक्रीज करने की अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी। इसी के चलते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये और पावर्स आ गई कि वो दो इंडियंस को अपने काउंसिल का मेंबर बना सकता था। टू इंडियंस वर नॉमिनेटेड इन दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स काउंसिल, जो सोसिक SOSIC जो मैं आपको बार बार कहता हूं, वहां पे दो भारतीयों की एंट्री होती है। गवर्नर जनरल को भी कुछ बहुत कह लीजिए
एम्पावरमेंट किया गया, ही वॉज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट वन इंडियन मेंबर टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. वो छोटा गोला, उसके आसपास एक थोड़ा सा बड़ा गोला, वो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल. वहां पे भारतीय की एंट्री होती है पहली बार, जिसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एस पी सिन्हा. ही वॉज मेड द लॉ मेंबर एंड वो बाद में ब्रिटिश एमपी भी बने थे थोड़ी देर के लिए. तो एस पी सिन्हा को जगह मिलती है भारत के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऑफ द गवर्नर जनरल. कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा. अब बारी आती है इस एक्ट की क्रिटिकल एनालिसिस की. पहली चीज तो ये कि जो इंडियंस को एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी, वो फेल हो गई. दूसरी चीज ये, इस पूरे के पूरे रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर एक अंडरलाइंग एक थीम थी एंड दैट वॉज बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म. मतलब हम प्यार से पुचकार के ही सही आपके ऊपर तानाशाही करें. That was really, really toxic. अगर आप किसी भी स्टेट की बात करें, अगर benevolent despotism होना शुरू हो जाता है कि प्यार से पुचकार के बहला फुसला कर, ये आजकल relationships में भी चलता आ रहा है, तो जहां पे प्यार से बहला फुसला कर तानाशाही जहां होनी शुरू हो जाती है, it becomes a very toxic relationship. And अगर इसको polity पूरे entire nation की तरफ तक आप expand करते हैं, तो it becomes really detrimental for the growth and development of society itself. जिसकी वजह से भारत को आज भी कह लीजिए developmental issues, challenges face करने पड़ते. Now there were non-official majority तो introduce कर दी, लेकिन अभी भी practically अगर आप देखें तो उससे कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया था. Non-official majority nullify हो जाती थी by the fact that it included nominated members. या तो होता ना कि जो non-official majority है उसमें nominated members नहीं होते, elected लोग जाते उसमें, elected लोग जा नहीं रहे थे, तो इस वजह से ये basically एक नदारद सा, एक nullified सा step था. Now, इसके इलावा this act was more of a shadow rather than a substance. इसमें कुछ ठोस बातें थी नहीं. Indian political system के जो problems थी, उसको कुछ answer ये afford कर नहीं पा रहा था. The real political solution was lying in complete self-rule, जहां पे आप होम रूल प्रोवाइड करते जैसे बाकी ब्रिटिश कॉलोनीज में हो रहा था. सेल्फ गवर्नमेंट जहां हो रही थी, जहां पे अकाउंटेबल एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, वो चीज यहां ऑफर नहीं कर रहे थे आप, तो उसका कोई फायदा निकलकर नहीं आ रहा था. Now, the position of the Governor General remained unchanged और उसकी veto powers as it is undiluted पूरी की पूरी एग्जिस्ट कर रही थी. इनफैक्ट उसकी वजह से एक नया सिस्टम उभर कर सामने आया, जिसको आप कह सकते हैं इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दी, ये हमारा प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन है. 1909 के रिफॉर्म्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एक देश कैसे रन होगा, इस देश के अंदर लेजिस्लेचर की पावर्स क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव की पावर्स क्या होंगी, रूल ऑफ लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा. तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराने समय का कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक क्या काम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश की. इसके अलावा कुछ खास किया नहीं अंडर दीज सर्कमस्टांसेस. एंड दो साल तीन साल के बाद आप देखेंगे, अभी से 1909 से गांधी जी भी आएंगे, गांधी जी ने भी तो आना है, तो वो हम अगले रिफॉर्म्स के अंदर 1919 के रिफॉर्म्स के अंदर भी ध्यान से देखेंगे. तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस बहुत छोटा ही सही, लेकिन हमें फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल नहीं बट एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें मिलनी शुरू होती है. इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस होते हैं, लिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देखने को मिलती है. चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो लिमिटेड था, थोड़ा ही था, बट फिर भी था. इंडियंस को आदत पड़नी शुरू हो जाती है. इनफैक्ट अगर कहें कि ब्रिटिशर्स इस चीज से दुखी थे, परेशान थे, कि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस इस पूरे सिस्टम को इम्बाइब करें, फिर भी धीरे धीरे किस्मत कह लीजिए या कह लीजिए कि गलतियां ब्रिटिशर्स की, हम भारतीय वी वर गेटिंग यूज्ड टू दिस सिस्टम. और इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क ये पड़ा कि जब आपने भारतीयों को जिसको कहते हैं लहू मुंह लग गया, जैसे शेर को खून मुंह लग जाए तो वो कभी भी आदमखोर हो सकता है, तो जैसे हमें भी उसी तरीके से खून मुंह लग गया, हमें पॉलिटिकल राइट्स की जो समझ आ रही थी उसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हो गई, पर्टिकुलरली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एक बात मैं यहाँ पे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की वजह से फर्क पड़ता था. वो डायरेक्टली आप देखिए कि अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट की बात करें तो एक आम व्यक्ति आज भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज्यादा जुड़ा रहता है क्योंकि उसका रोजमर्रा का जितना भी काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहता है.
रेवेन्यू कलेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो इस वजह से लोगों को इससे फर्क पड़ना शुरू हुआ, भारतीयों को ये खून मुंह लगने लग गया। इस वजह से हमारी डिमांड्स धीरे 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 बढ़नी शुरू हो गई। इन सच अ सिचुएशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़नी शुरू हुई, अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई, एजुकेशन पर्टिकुलरली पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़नी शुरू हुई। हालांकि अभी भी इसकी यूनिवर्सलाइजेशन एक डिस्टेंट ड्रीम थी, लेकिन फिर भी 1909 का ये जो एक्ट है, दिस वॉज शैडो रादर देन अ सब्सटेंस, ये सिर्फ धुआं धुआं था, इसमें कोई चिंगारी निकलकर नहीं आ रही थी। नाउ बेहतरीन क्या चीजें की इसने, मेरिट्स क्या है इस एक्ट के, रिफॉर्म्स, दीज रिफॉर्म्स दे मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, इन्होंने भारत के अंदर इलेक्टिव प्रिंसिपल को, कि आप इलेक्शन कर सकते हैं, निर्वाचन कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, इसको रिकॉग्निशन मिला। दूसरी चीज, भारतीयों को अपने ग्रीवेंसेस को सामने रखने की जगह दी। दूसरी चीज, इसी के साथ साथ उन्हें एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा सके, अपनी आवाज को, अपनी परेशानियों को वेंटिलेट कर सके थोड़ा सा अदब के साथ। नाउ इसी के साथ साथ लेजिस्लेचर्स के अंदर जो एनलार्जमेंट हुई, उसमें और ज्यादा इंडियनाइजेशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाता। नाउ अब अंत में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, 1861 का काउंसिल्स एक्ट, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इधर आई आइकन के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो 1892 का उसकी अमेंडमेंट, 1909, ये पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा शुरुआत में आ जाते हैं, एक बार देखते हैं वो टाइमलाइन, देखिएगा ध्यान से। तो हमने देखा क्या था, हमने ये चीज देखी थी कि देखिए, सॉरी, हाँ, अगर आप नोटिस करते हैं तो टाइमलाइन में आपको ये चीज नजर आएगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, हाँ, ना, तो टाइमलाइन में अगर आप देखते हैं तो 1861 का काउंसिल्स एक्ट और 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट और 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये मैंने एक जगह पे रखे हुए हैं। ये एक जगह पे इसलिए हैं बिकॉज दे वर गिविंग बर्थ ऑफ, दे वर बेसिकली अ पीरियड जहां पे एक फेडरेशन, काउंसिल लेवल पे ही सही, एक फेडरेशन का जन्म हो रहा है भारत के अंदर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इसी इंपॉर्टेंट प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए आपने आगे चलते रहना। अब देखिए, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इस पूरे प्रोसेस को एंड समझते हैं कि इसने एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया, पहली चीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। इसके मेरिट्स को ध्यान से अब समझ के चलिए। नाउ, हाँ जी, इट वॉज एन ऑनसेट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा, इसके अंदर ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको मेंस में बहुत मदद करने वाले। दूसरा, आपको फेडरलिज्म की बू आने लगती है, थोड़ा भनक आने लगती है। दे सोड द सीड्स ऑफ कॉम्युनलिज्म। 1861 से लेकर 1909 तक जो चेंजेस आए इंडियन पॉलिटी के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, उन्होंने कॉम्युनलिज्म को लेजिटिमाइज कर दिया, कानून का उसके पीछे फोर्स लगा दिया और कॉम्युनलिज्म बढ़ना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ, इसी के काउंटर एक्शन में हमारे नेशनलिस्ट आइडियाज बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट 1905 के बाद हमारा एक्सट्रीमिस्ट जो है, दे बिकेम रियली इंपॉर्टेंट एंड वो डायरेक्ट लोगों की रगों से बात करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म में बढ़ोतरी होती है। नाउ इसी के साथ साथ एक बुक है, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसके ऊपर एक किताब है एजी नूरानी जी की, अगर आप चाहें तो उस किताब को पढ़िएगा जरूर। मैंने वो बुक पढ़ी, बहुत जबरदस्त किताब है, इंडियन सोशलिस्ट बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो वो सोशलिज्म जो है, वो किस तरीके से भारत के नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को बढ़ोतरी देता है, उस चीज के ऊपर वो किताब है, जरूर पढ़िएगा। एंड इसी के साथ साथ, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ही सही, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी मिलती है इंडियंस को, रिस्ट्रिक्टेड ही सही अथॉरिटी मिलती है, एंड दे टेस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जैसे ही उनको चखने को मिलती है,
लिमिटेड सफरेज के थ्रू उनको यू नो इट ओपन्स अप अ पेंडोरास बॉक्स. क्या होता है वो देखते हैं, रशिया के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं, चाइना के अंदर क्या हो रहा है, ब्रिटेन में खुद ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे इन्फ्लुएंस्ड द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया एज वेल. उसी के साथ साथ भारत के अंदर कम्युनलिज्म तो छोड़िए, कम्युनिज्म भी जन्म लेता, सोशलिज्म जन्म लेता. ये सारी की सारी चीजें जब सामने आती हैं तो दे फ्रेम द एंटायर पॉलिटिकल आइडिया ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से 1947 तक भारत जो है जिसके बलबूते पर भारत और भारतीय अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे. नाउ आज इस वीडियो को यहीं पे ही विराम देता हूं. आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ. एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ न्याय अकेडमी ऑफ विजडम. ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज भी है. आपको उसकी इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी. And if you want to stay connected with important information with regard to UPSC, law and commerce related subjects, EPFO से related हमने 2-3 videos अभी recently upload किए हैं, company law की हमारी series चल रही, make sure कि आप channel को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, because this is going to be a very path breaking thing. आप सब लोगों को इस channel से बहुत benefit मिलने वाला है. जिस तरीके का quality content हम आप लोगों को provide कर रहे हैं ये आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा. हमें मालूम है, देखिए हमारी टैगलाइन ये है, वी वांट टू डिलीवर जस्टिस टू योर एस्पिरेशंस. जो आपके साथ सही कह लीजिए जस्टिफिकेशन कर सके आपकी एस्पिरेशंस को, दैट इज न्याय अकेडमी ऑफ विजडम. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे अहेड. दिस इज मी सनद भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम. बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.